हेलो स्टूडेंट्स इट्स पूजा पाठक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फाइलम एस्केलमिनस एस्किलमिनस को राउंड वाम्स भी कहा जाता है और निमिटेहलम्स भी कहा जाता है जैसा कि नाम बता रहा है राउंड वाम्स ये फ्लैट वाम्स से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो फ्लैट हैं ये थोड़े गोलाकार में है नाउ कमिंग टू द हैबिटेट इनका जो हैबिटेट होता है वो फ्री लिविंग है पैरासिटिक है एक्वाटिक है और टेरेस्ट्रियल है तो जैसा कि इसमें बताया है कि वो पैरासिटिक हैं तो जिसमें कि एक एनिमल का नाम आप जानते होंगे विक्रेरिया ब्रोंकॉफ्टाई वो एक पैरासिटिक फॉर्म है एस्कलमिंत का ओके और काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे एग्जांपल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे नाउ कमिंग टू द सिमेट्री सिमेट्री जो इनकी है वो बायोलिट्रल सिमेट्री है बायोलिट्रल सिमेट्री मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने पहले भी जो वीडियोस हैं उसमें कि जब भी कोई एनिमल को हम लोग एंटीरियर से पोस्टीरियर तक पार्ट तक कोई एक प्लेन पास करें अगर इमेजिनरी लाइन भी पास करें अगर हम लोग अगर वो एनिमल इक्वली टू हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं बायलेट्रल सिमेट्री अब आते हैं जर्म लेयर्स पे जर्म लेयर्स क्या हैं जब भी uh, कोई ऑर्गेनिज्म एनी ऑर्गेनिज्म इट इट इज डेवलपिंग एट दैट एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इफ़ द एनिमल फॉर्म्स थ्री लेयर कौन कौन सी तीन लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीज़ोडर्म अगर ये तीन लेयर्स फॉर्म होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो ये तीनों जो लेयर फॉर्म करेंगी क्योंकि तीन लेयर हैं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और वहीं अगर हम लोग कहें दो लेयर्स हैं जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म फॉर्म होती हैं तो उसको हम लोग कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक तो सो तो ये एनिमल प्लेटी से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और प्लेटी जो है डिप्लोब्लास्टिक हैं उनमें सिर्फ दो लेयर्स पाई जाती हैं सॉरी वो उनमें भी ट्रिपलो प्लास्टिक हैं क्योंकि उनमें भी तीन लेयर्स पाई जाती हैं वहाँ से ही मिजोरम जो है लेयर स्टार्ट हो चुकी है नाउ कमिंग टू द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ऑर्गेन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा क्योंकि यहाँ पे एस्कल मींस जैसे प्लेटी हेलमीन्स में हमने देखा था ऑर्गेन्स तो पाए जाते हैं तो ये ऑर्गेन सिस्टम में क्या ऑर्गेन सिस्टम से ये ऑर्गेन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेन्स हैं सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंक्रनाइज वे में एक दूसरे को साथ लेके एक साथ फंक्शन करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है अब प्लेटी में ऑर्गन्स तो थे बट वो ऑर्गेन सिस्टम जो है एक साथ वर्किंग करने वाला इस तरह का कुछ मॉडल उनके अंदर नहीं है तो ये इस तरह का ऑर्गेन सिस्टम जो है इनके एसकेल के पाया जाता है तो आप कोशिश करें कि आप कंपेटिव स्टडी करें क्योंकि कंपेरेटिव स्टडी में चीज़ें ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं नाउ कमिंग टू दू ट्यूब विद इन ट्यूब ट्यूब विद इन द ट्यूब क्यों क्योंकि जैसा कि ये नाम बता रहा है राउंड वॉर्म राउंड वॉर्म आप इमेजिन कीजिए कि एक वॉर्म है जो कि राउंड है या फिर आप इमेजिन कर लीजिए एक पेन को पेन के अंदर जैसे एक रिफ़िल है जिसका एक ओपनिंग इधर एक ओपनिंग इधर है तो ये ट्यूब विद इन द ट्यूब हुआ एक माउथ एक एनस क्योंकि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कम्प्लीट है जो कि प्लेटी हेलमिन्स में ये एबसेंट होता है प्लेटी हेलमेंट्स में सिर्फ माउथ पाया जाता है और एक ही ओपनिंग से दोनों काम होते हैं इजेशन और फूड टेकिंग का दोनों का जबकि यहाँ पर माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं तो ये एक एक्सेप्शन केस इनके यहाँ एक्सेप्शन नहीं कह सकते यहाँ पर हम लोग इनका जो है इवोल्यूशन के दौरान इन्होंने अपने आप को इवॉल्व इस तरह से किया प्लेटी हेलमेंट्स से ये थोड़े एडवांस नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बॉडी सिलोम के बारे में बताया है बॉडी सिलोम मतलब जैसा कि पहले भी बताया कि बॉडी सिलोम मीन्स एक बॉडी कैविटी एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर बॉडी ऑर्गन्स जो भी ऑर्गन्स हैं वो रखे हों और जो बॉडी वॉल है और बॉडी के इनसाइड जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच की जो कैविटी है उसको हम लोग बॉडी कैविटी या सिलोम कहते हैं यहाँ पे क्या है जो बॉडी कैविटी वो स्यूडो सिलोम है सीडोसिलोम है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यों सीडोसिलोम क्योंकि सीडोसिलोम इसलिए क्योंकि मेजोडाम लेयर जो है वो बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करती ठीक है वो लाइन नहीं करती मेजोडाम लेयर को इसीलिए उसको सीडोसिलोमिट कहा जाता है और ये सीडोसिलोमिट एनिमल्स हैं यहाँ मेजोडाम लेयर पाई तो जाती है बट वो बॉडी ऑर्गेंस को लाइन नहीं करती नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इनका जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है ओके okay? और जैसा कि ये सेम करेक्टर हम लोग देख सकते थे प्लेटी हेलमिनस में भी उनकी भी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड थी यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है एस्केलम्स के में ऊपर उनके क्यूटिकल पाई जाती है वो यूनिक कोलाजिनस कवरिंग होती है ये बहुत बहुत यूनिक करेक्टर है एस्केमस का नाउ कमिंग टू द वन मोर करैक्टर वो एपीडर्मिज सिंकाइटियल सिंकाइटियल मीन्स अ सेल विथ सो मैनी न्यूक्लियस तो इनका एपिडर्मिस जो है वो मल्टी न्यूक्टेड होता है ओके नाउ कमिंग टू द एलिमेंट्री कैनाल हमने पहले ही बात कर ली है इसके बारे में कि एलिमेंट्री कैनाल इनका प्लेटी हेलमेंट्स के कंपैरिजन काफ़ी एडवांस है यहाँ पे जो ओपनिंग है वो दो ओपनिंग पाई जाती है जो कि माउथ और एनस दोनों ही है तो एलिमेंट्री कैनाल इनका कंप्लीट है कहा, कहा जा सकता है और इनके पास एक मस्कुलर फेरिंग्स भी होता है जिसके थ्रू ये लोग अपना फूड इनटेक करते हैं नाउ कमिंग टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जैसे कि प्लेटी हेलमेंट्स में हमने पढ़ा था कि उनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं वैसे ही यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में या रैनिट ग्लैंड पाया जाता है फॉर द एक्सक्रीशन ठीक है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है कि एस्केलमिन्स और प्लेटी हेलमिनस में क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है और ये बहुत कन्फ्यूज़ करता है तो आप कंपेयर करके पढ़ें कि प्लेटी हेलमिनस में फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं जबकि जो ये एस्कलमिन्स हैं इनके अंदर रैनिट ग्लैंड पाई जाती हैं नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नर्वस सिस्टम इनका किस तरह का है नर्वस सिस्टम जैसा कि आपने देखा था प्लेटी में नर्वस सिस्टम उनका जो है एक नर्व कॉर्ड uh, थी उनके पास सिंगल एक ब्रेन था यहाँ पे क्या है यहाँ सर्काम्ट्रिक नर्व रिंग पाई जाती है विद गैंगलिया ओके और सिक्स नर्व कॉर्ड्स यहाँ पाई जाती हैं ठीक है यहाँ पे कैसा ये नर्व रिंग की बात हुई है एक जैसे क्या कहा जाता है उसको जैसे अंगूठी के छल्ले की तरह जो फेरिंग्स का पार्ट होता है जैसे ये एनिमल है इसका अगर फेरिंग्स यहाँ पे है तो उसके चारों ओर वो एक रिंग की तरह अपने आप को घेर के रखता है तो वो उनका नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है और इनके पास सिक्स नर्व कॉर्ड पाई जाती हैं नाउ कमिंग टू द सेक्स सेक्सेस यहाँ पर जो सेक्स होते हैं इनके मीन्स जो मेल और फीमेल है वो सेपरेट है और ये कैरेक्टरस्टिक जो कि प्लेटी हेलमिनस में एबसेंट है क्यों क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि सेक्शुअल जो है प्लेटी हेलमेंट्स में मोनोशियस हैं ओके okay? तो मोनोशियस टाइप का सेक्स पाया जाता है वहाँ पे मोनोशियस मतलब क्या मोनोशियस मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म उसके जो मेल और फीमेल अगर हम लोग कहें तो वो डिफ्रेंशिएट ना हो एक ही बॉडी में, में मेल और फीमेल ऑर्गेंस दोनों प्रेजेंट हो तो वो मोनोशियस कहा जाता है सिंगल बॉडी मोनो मोनोमीन्स सिंगल सिंगल बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो मेल और फीमेल दोनों यहाँ एस्केल मीन्स में क्या है ये लोग डायोशियस है डाय मीन्स टू बॉडीज मीन्स मेल अलग है फीमेल भी अलग है तो मेल अलग है और फीमेल भी अलग है और न डायमोरफिज्म मतलब सेक्सुअल डायमोरफिज्म मतलब यहाँ पे जो मेल है वो फीमेल से छोटा होगा तो ये बहुत यूनिक कैरेक्टर है इनका एस्कैल का ये आपको याद रखना पड़ेगा तो सब जब भी ये सेक्शुअल डायमोरफिज्म की बात आए तो आप एस्केल का एग्जाम्पल बहुत ईजिली दे सकते हैं जैसे कि ये एसकेरिज मैंने ड्रा किया एक रफली ड्रॉ किया है जिसमें कि ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है सो so, मेल जो है फीमेल के, के कम्पेरटिवली बहुत छोटा है ना कमें कमिंग टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो प्लेटी हेलमिनस में भी था इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होता है बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे आर ओ वी पेरिस एंड ओ वी वी पेरिस बोथ सो ओ वी पेरिस भी हैं यहाँ पे ओ वी वी पेरिस भी हैं ओके okay, तो ओवो ओ वी पेरिस का आप एग्ज़ाम्पल आराम से देख सकते हैं वो एस्कैरिस है और ओवो वी वी पेरस का एग्जाम्पल आप यूक्रेरिया रख सकते हैं ये एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ डेवलपमेंट किस तरह का है इनका डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है जिसको जिवेनाइल कहते हैं जिवेनाइल क्यों क्योंकि जो डेवलपमेंट uh, जब एक यंग वन बर्थ लेता है तो वो अपने पेरेंट को बिल्कुल रिजेंबल करता है वो अपने पेरेंट की तरह ही दिखता है तो वो जिवेनाइल है क्योंकि वो अपने पेरेंट की तरफ बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है तो वो जिवनाइल कहेंगे और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसको कहेंगे जब एक पेरेंट जो है जब अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है तो वो ऑफस्प्रिंग जो है कई स्टेजेस से होके ही अपने असली फॉर्म में आएगा तो वो जो स्टेजेस हैं यहाँ पे वो चार मोल्टिंग स्टेजेस को लेने पड़ते हैं तो वो चार मोल्टिंग के बाद ही वो अपने पेरेंट की तरह रिजेंबल कर पाता है इसीलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है इसमें और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है ओके तो दोनों तरह के डेवलपमेंट इसमें पाए जाते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नाउ कमिंग टू द मेल्स मेल्स के बारे में एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट uh, स्ट्रक्चर बताया गया है कि मेल्स दे हैव टू कॉपुलेटरी पीनियल uh, स्पिक्यूज़ पाए जाते हैं ये वन और टू कॉपिलेटरी पीनियल स्पिक्यूज किस लिए होते हैं वो सेक्शुअल इंटरको सॉरी सेक्शुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके दौरान ये यूज़ किए जाते हैं नाउ कमिंग टू द सेंस ऑर्गन सेंस ऑर्गे इनके अंदर एम्फिड्स और फेजमिट पाए जाते हैं एम्फिड्स ये कीमो रिसेप्टर्स हैं और फेजमिट्स जो हैं ग्लैंडो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ठीक है अब एम्फिट्स जो हैं इनका क्या है ये ऑल्फैक्ट्री फंक्शन करते हैं स्मेल से रिलेटेड होते हैं और ये स्मेल को सेंस कर लेते हैं क्योंकि सेंस ऑर्गन है ये फेजमिड है ये ग्लैंडुलो सेंसरी है ग्लैंडुलो सेंसरी ये टेल के पास एक ओपनिंग पाई जाती है जिसमें कि ग्लैंड जो कभी कभी ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है कभी वक्त आने पर सेंसरी ऑर्गन भी बन जाता है तो ये फेजमिट कहलाता है ये टेल के पास पाया जाता है और ऑल्फैक्शन का जो है ये करेक्टर जो है वो एम्फिट जो है जो के पास या फिर कह सकते हैं एंटीरियर पार्ट के पास पाया जाता है नाउ कमिंग टू दिस एग्जाम्पल हेयर ये मेल है ये फीमेल है मेल और फीमेल आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल छोटा है और फीमेल काफी बड़ी है तो ये आप इजीली देख सकते हैं और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डायग्राम हेयर यू कैन सी दिस इज रेप

नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इनका जो बॉडी सेल है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि इनकी जो बॉडी जब एनिमल बर्थ लेता है उसके समय से लेके जब वो फुली ग्रोन हो जाएगा तब तक उनके सेल का नंबर नहीं चेंज होता द सेल नेवर डिवाइड्स ओके तो अब यही सोचने वाली बात है कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो ग्रो कैसे हो रहा है सेल डिवीजन नहीं होगा तो एक्चुअली सेल का जो न्यूक् मीन सेल डिवाइड नहीं करता बट सेल का साइज़ ग्रो करता है सो so, इस चीज़ को जो ग्रोथ हो रही है सेल के साइज़ में दैट इज़ हाइपरट्रॉफी ओके और जो फिनमनन ये जो कैरी कर रहे हैं इस फिनमनन को हम लोग कहते हैं यूटेली तो आप लोग इसको अंडरस्टूड कर लें और प्लीज़ इसको लर्न भी कर लें नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इनका ए मीडिया और फेज मीडिया है जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये अपने सेंस ऑर्गन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किए गए हैं और ट्राइकीनेला इनका कॉमन नेम आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा ट्रैकिनेला ट्राइकीना वॉम नाउ ट्रिच्यूरस विप वॉम और फेजमीडिया में जो है स्कैरिस और राउंड वाम एंकाइलोस्टोमा हुकाम एंट्रोबियस पिन वाम व्यूक्रेरिया फैलेरियल वाम ये पैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं आप, आपको मैंने पहले भी ये बोला है और ड्रेनक्यूलिस सॉरी ड्रैकिन ड्रकिन जो है गीनिया वाम तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे जैसे हुक वाम पिन वाम फाइलेरिया वाम गीनिया वाम राउंड वाम ये सारे जो है कभी कभी मैच द कॉलम्स में ट्रू फॉल्स में बहुत इजीली पूछे जाते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं नाउ Thank you students for listening my lecture so patiently thank you